नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल DNA में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैंने बोलेरो की हिस्ट्री पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि अभी जो बोलेरो का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है उस पर मैं एक अलग से नई वीडियो में बात करूंगा, तो हाजिर है आज की इस वीडियो में महिंद्रा बोलेरो और ट्रू लेजेंड पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं डायमेंशन से। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बोलेरो की लेंथ है 3995 mm, विड्थ है 1745 mm, हाइट है 1880 mm और व्हील बेस है 2680 mm का। चलिए लगे हाथों बाकी चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। तो बोलेरो में आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 550 लीटर का बूट स्पेस अलॉन्ग विथ 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 5.8 mm का टर्निंग रेडियस एंड 60 लीटर का फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है तो लगे हाथों माइलेज की भी बात कर लेते हैं। आपको बोलेरो में मिलेगी 16.5 km/h की माइलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बोलेरो में मिलने वाले इंजन के बारे में। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि बोलेरो में केवल डीजल इंजन मिलता है, पेट्रोल का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा एक रोचक तथ्य आपको मैं बता दूं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, 4 अगस्त सन 2000 को जब बोलेरो पहली लॉन्च हुई तो उसमें आने वाला पहला 2.5 लीटर का इंजन महिंद्रा का इंजन नहीं था। वो इंजन था फ्रांस बेस कंपनी जिसका नाम था पूजाओ। लोकल लैंग्वेज में भारत में कई लोग उसे पीजेट के नाम से भी जानते हैं। आज की बोलेरो में आपको मिलता है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर BS6 MHawk 75D डीजल इंजन जो कि 75 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है 3600 RPM पर और 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1600 से लेकर 2200 RPM पर। अब मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं बोलेरो के एक्सटीरियर के बारे में। बोलेरो में आज भी आपको केवल 15 इंचेस के ही टायर्स मिलते हैं और इसमें कोई भी और किसी भी तरीके के अलॉयज नहीं मिलते। इसमें आपको मिलती है न्यू एक्स शेप डिज़ाइन वाले बम्पर्स, फॉग लैंप्स और बम्पर पर एक स्किड प्लेट की तरह डिज़ाइन बनाई गई है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके की एक्चुअल स्किड प्लेट नहीं मिलती है। फ्रंट प्रोफाइल पर अगर हम गौर करें तो आज के मॉडर्न एज में भी बोलेरो में आपको केवल हेडलाइट में हैलोजन लैंप ही मिलते हैं। किसी भी तरीके से आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते, ना ही DRLs आते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब हेडलैम्प की डिज़ाइन को बदल दिया गया है और अब इसमें एक क्रोम की स्ट्रिप दी गई है जो DRLs की तरह लगती है। आप इसे कितने लोगों को लगता है कि बोलेरो से सस्ती गाड़ियों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प और DRLs आती हैं, इसीलिए महिंद्रा को इसमें भी अब ये दे देनी चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
इसमें आपको महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल मिलती है अलोंग विद अ क्रोम इंसर्ट लोगो। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आज भी टॉप वेरिएंट में आपको बॉडी कलर ORVMs मिलते हैं और बेसिक वेरिएंट में ब्लैक कलर ORVMs आएंगे, लेकिन इसमें टर्न इंडिकेटर्स और ऑटो फोल्ड का फीचर्स आपको नहीं मिलता है। डोर्स पर आपको आज भी स्क्रैच से बचाने के लिए क्लैडिंग मिल जाती है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो आज भी वही डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखने को मिलता है, वही म्यूजिक सिस्टम आता है, जबकि बाकी कंपनियां आज की डेट में टच स्क्रीन ऑफर करती हैं। इसमें आपको मिलता है इंजन इमोबिलाइजर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ साथ ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको गियर इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, हाउ मच डिस्टेंस टू कवर, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड, डोर अजार इंडिकेटर और डिजिटल क्लॉक अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सीट की जहां तक बात करें, इसमें आज भी आपको फैब्रिक सीट मिलती है। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी आपको लेदर अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों में महिंद्रा ने इसमें काफ़ी सारे बदलाव भी किए हैं, और पिछले कुछ सालों से इसमें AC विथ हीटर भी मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग एंड पावर विंडो मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री मिलती है, रियर वॉशर एंड वाइपर आते हैं, और एक 12V चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी। तो बोलेरो में आपको सेफ्टी के नाम पर मिलता है ABS, उसके अलावा आपको केवल ड्राइवर साइड एयरबैग मिलेगा। मेरे हिसाब से महिंद्रा को कम से कम ABS के साथ साथ EBD और ड्यूअल एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स में दे देना चाहिए था। नेक्स्ट, इसमें आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड लास्ट इज को ड्राइवर ऑक्यूपेंट सिस्टम। इसके अलावा कोई भी सेफ्टी फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, जबकि आज की डेट में इससे सस्ती गाड़ियों में बोलेरो से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। एक और बात कि जिसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, बोलेरो की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही दमदार और मजबूत है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बोलेरो की प्राइसिंग पर। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बोलेरो में केवल डीजल इंजन मिलता है। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो प्राइस कोट किए हैं वो सभी के सभी एक शोरूम कॉस्ट मुंबई हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। B4 जो कि बेस वेरिएंट है, एक शोरूम मुंबई, कॉस्ट इसकी आपको मिलेगी 7,76,550 रुपीज़। B6 जो कि सेकेंड वेरिएंट है, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई आपको मिलेगा 8,42,767 रुपीज़ का। और सबसे टॉप वेरिएंट जो कि B6 ऑप्शनल वेरिएंट है, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको मिलेगा 8,78,169 रुपीज़ का। अब दोस्तों, बोलेरो की वारंटी पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जहां तक वारंटी का सवाल है, बोलेरो में आपको मिलेगी 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बोलेरो की हिस्ट्री वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो तुरंत मेरे चैनल पर महिंद्रा की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वो वीडियो देखिएगा। एक बेसिक क्विक समरी वीडियो मैं यहां पर भी आप सभी के लिए दे रहा हूं, जिसमें आपको हिस्ट्री का बेसिक अंदाज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि सन 2000 से लेकर अब तक बोलेरो हम इंडियंस के दिलों पर राज करती रही है। बोलेरो एक ट्रूली महिंद्रा का रफ एंड टफ, रगेड एंड DNA वाला प्रोडक्ट है। आपके हिसाब से बोलेरो की वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बोलेरो खरीदने पर मजबूर कर सकती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही दमदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन दूसरी ओर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये आज की डेट में मॉडर्न एज एंड अप मार्केट, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिसिंग होने की वजह से आउटडेटेड प्रोडक्ट भी लगता है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।